नहीं। देख बेताल, विक्रम बड़ी आसानी से तेरे हर दुष्चक्र को खंडित कर दे रहा है, अब क्या करेगा तू? हाँ देख रहा हूँ, अभी उसका लक्ष्य उससे बहुत दूर है। और सुन, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा। तुम उसका लक्ष्य कैसे दूर करोगे? भूल गए, वो विक्रम है, विक्रम। तुम जितना उन्हें परखोगे वो उतना निखरेंगे। ए प्रेत परी, तू कुबुद्धि जैसी क्यों बोल रही है? राजा विक्रम अपने शरीर के बिना विक्रम नहीं है, अपना शव वो जंगल छोड़ा है। आ देख, आ देख, गौर से सुन, उसका शरीर कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है उसका शरीर? कोई है, कोई है जो मेरे शरीर को अंतिम संस्कार दे दे। अरे कोई भला है जो मेरा अंतिम संस्कार कर दे। भले लोगों तुम्हारा भला होगा। कोई है? कौन है जो जीते जीते अपना अंतिम संस्कार करवाना चाहता है? इधर इस ओर, भले लोगों यहां हूं मैं। वो चलो उस ओर। अरे ये तो मर चुका है, फिर हमें कौन पुकार रहा था? लगता है इसकी आत्मा भटक रही है, इसकी आत्मा को शांति देनी होगी। तब तो हमें तुरंत ही इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। उठाओ जल्दी इसे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राजा विक्रमादित्य गया था अतृप्त सताक्षी को मुक्ति दिलाने, और स्वयं मुक्त होने जा रहा है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कोई मेरी रक्षा करो, कोई है? सब मरेंगे, राजा सूर्यभान की पत्नी, उसके सगे संबंधी, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी मैं। पता नहीं सम्राट विक्रमादित्य इसका मृत्यु का मार्ग खोजे तब तक पहुंचेंगे। महारानी की मुक्ति का द्वार मैं खोल देता हूं। क्या? ये रक्षा घेरा तो मिट गया। सूरजभान, राजा सूर्यभान की पत्नी, उसके सगे संबंधी, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी मैं। कोई है? देखो, मुझे मत मारो। ठहर जाइए राजकुमारी सताक्षी। राजकुमारी मुझे वचन दीजिए, जिसने हमें अलग करने का प्रयत्न किया आप उसका अंत अवश्य करेंगे। महाराज, ये कैसे हो सकता है? राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। राजा सूर्यभान,
कितने वर्षों से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। हत्यारे, तुमने मुझसे मेरे प्रेम को छीना है, मेरे ओजदत की हत्या की है तुमने। अब तुम भी जीवित नहीं बचोगे सूर्यभान। राजकुमारी सताक्षी, हम मानते हैं कि हमसे अपराध हुआ है। हम अपने अहंकार में इतने डूब गए थे कि आपको पाने के लिए सही और गलत में अंतर ही नहीं कर पाए, किंतु अब हमें अपने अपराध का बोध है, इसलिए हम आपके सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। कृपया कर हमें क्षमा करें। दो निर्दोष लोगों की हत्या करके अब तुम क्षमा मांग रहे हो? दो प्रेमियों को अलग करके तुम मुझसे क्षमा की याचना कर रहे हो? तुम मेरे नहीं, प्रेम के शत्रु हो राजा सूरजभान। यदि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया तो अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारा शरीर किसी संकट में है? यदि हमारा शरीर समाप्त हो गया तो सब समाप्त हो जाएगा, किंतु अपना मानव धर्म निभाए बिना हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। राजा सूर्यभान, अब तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारी क्षमा होगी। राजकुमारी सताक्षी, प्रत्येक मनुष्य का धर्म होता है अपने जीवन की रक्षा करना, और हम भी यहाँ उसी धर्म का पालन करने आए। राजा सूरजभान, हमारे साथ इतना बड़ा अधर्म करके आज तुम धर्म की बात कर रहे हो? धर्म की रक्षा तब तक नहीं हो सकती जब तक तुम जैसा अधर्मी जीवित है। महाराज, महाराज संभलिए। महाकाल, मुझे शक्ति दे कि मैं सताक्षी की आत्मा को शांति प्रदान करा सकूं। राजकुमारी सताक्षी, मैं मैंने अपना वचन पूरा किया। हत्या कर दी मैंने इस सूरजभान की, मार दिया हमारे प्रेम के शत्रु को। अब हमारा प्रतिशोध पूरा हो गया। हे पुण्य पुरुष, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं,
पर मैं इतना समझ गई हूँ कि आपने ये सब क्यों किया। मेरी वर्षों से भटक रही आत्मा को आपने मुक्ति दी है, हमारे प्रेम को न्याय दिया है। मैं आपकी आभारी हूँ। ये जो भी था, इसका अंतिम संस्कार पूरा हुआ। ईश्वर इसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। सम्राट विक्रमादित्य, आपने अपने जीवन को दांव पे लगाकर हम सबके प्राणों की रक्षा की है। आप केवल चक्रवर्ती ही नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में एक मानवतावादी सम्राट हैं। भूतगढ़ राज्य आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेगा। हमने कोई उपकार नहीं किया है महारानी, केवल अपना धर्म निभाया है, मानव धर्म। मानवतावादी सम्राट विक्रमादित्य की जय। मानवतावादी सम्राट विक्रमादित्य की जय। मानवतावादी सम्राट विक्रमादित्य की जय। देखा बेटा, विक्रम ने कैसे तेरी चुनौतियों का सामना किया और अपने मानवता के गुण को भी सिद्ध कर दिया। मैं तो हमेशा से कहती थी कि विक्रम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखा, विक्रम जीत गया और तू हार गया हमेशा की तरह। प्रीत परी, यदि ये मेरी हार है तो हर बार मैं हारना ही चाहता, कारण ये हार मेरी सबसे बड़ी जीत है। भद्रकाल का अंत करने के लिए मनुष्य में जो सभी गुण की आवश्यकता है, उसमें से एक को राजा विक्रम ने अभी सिद्ध कर लिया है। कहानी यही समाप्त नहीं होगी। राजा विक्रम की यात्रा अभी और लंबी होगी। क्या राजा विक्रम पूरी यात्रा पार कर लेगा या कुछ पल चलकर ठहर जाएगा, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। वाह वाह, ये बॉम्बी है, हत्या है, हमें तो दंड दो, मृत्यु दंड दो, हत्या है, ये मृत्यु दंड दो, हत्या है, ये मौत है, ये मृत्यु दंड दो, हत्या है, मृत्यु मिलनी चाहिए, बॉम्बी है, मार दो। पुत्र भार्मर, प्रजा प्रतीक्षा कर रही है, न्याय करो इनका पुत्र। क्षमा बड़ी रानी, किंतु न्याय करने का अधिकार केवल राजा का होता है। हमें महाराज विक्रमादित्य की प्रतीक्षा करनी चाहिए। महाकवि, न्याय में विलंब का अर्थ होता है अन्याय, और मेरे पुत्र भार्मल के रहते हुए हमारी प्रजा के साथ अन्याय कभी नहीं हो सकता। पुत्र भार्मल, आगे बढ़ो। भार में
न्याय? हाँ माँ, सेनापति विराट सेन, क्या दोष है इस व्यक्ति का? राजकुमार, इस लकड़हारे पर एक स्त्री की हत्या का आरोप है। क्यों, यह आरोप स्वीकार है तुम्हें? राजकुमार, मैं उस स्त्री की हत्या का कारण तो हो सकता हूँ, किंतु मैं हत्यारा नहीं हूँ। हत्या का कारण हो सकते हो किंतु हत्यारे नहीं, ये कैसे संभव? पहले मत बुझाओ, बस कहो। राजकुमार, कल शाम को जब मैं जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि तभी उसी वक्त पकड़ बचाओ! कोई तो इन डाकुओं से मेरी रक्षा करो, कोई तो मेरी सहायता करो, बचाओ! बचाओ मुझे! ए, भाग! चुप! स्त्री, यदि तुम अपने ये आभूषण हमें पहले ही दे देती तो तुम्हारे प्राण भी बच जाते। अब तुम्हारे आभूषण भी जाएंगे और प्राण भी। लेकिन लालच बहुत बुरी बला है। मूर्ख लकड़हारे, तुम चाहते तो उस स्त्री की रक्षा कर सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। अपनी आंखों के समक्ष अपराध होता हुआ देखना और उसे ना रोकना, वो अपराध करने वाले से कहीं बड़ा अपराधी होता है। इसलिए हमारा आदेश है, इसे मृत्यु दंड दिया जाए, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। क्षमा कीजिए राजकुमार, मुझे अपने अपराध का भान है, किंतु इस अपराध का इतना बड़ा दंड नहीं। बड़ी रानी, बड़ी रानी, ये तो अन्याय है, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए। राजकुमार, ले जाओ इसे वसूली पे चढ़ा दो। एरो, एरो, एरो। न्याय कीजिए महाराज। विक्रमादित्य के दरबार में सदा ही न्याय होता है, तुम्हारे साथ भी न्याय होगा। किंतु काकाश्री, इस लकड़हारे का न्याय तो मैंने अभी किया। न्याय किया जाता है भारमल, थोपा नहीं जाता। किंतु काकाश्री, एक स्त्री की हत्या होते हुए देखना और उसे ना रोकना, क्या यह अपराध नहीं है? आत्मानाम सततम रक्षेत, मनुष्य का प्रथम धर्म है कि वो अपने जीवन की रक्षा करे। सत्य है, इस लकड़हारे को स्त्री की सहायता करनी चाहिए थी, किंतु ऐसा ना करके उसने अपनी आत्मा के प्रति अपराध किया है। वो नैतिक रूप से दोषी है और उसे इसका प्रायश्चित स्वयं करना होगा, किंतु इसके लिए उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। मुक्त कर दो इस लकड़हारे को। पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। भारमल, यदि भ्राता भरत हरि यहां होते तो तुम्हें इस उदंडता के लिए अवश्य ही कठोर दंड देते। सम्राट विक्रमादित्य की जय! सम्राट विक्रमादित्य की जय!
जय जयकार के लिए तुमने मेरे पुत्र का अपमान किया है राजा विक्रमादित्य। शपथ गुरु गोरखनाथ की, इसका मूल्य तो तुम्हें चुकाना ही होगा। ये क्या कर रही हैं आप महारानी? अपने प्रेम से आपके जीवन के कष्ट को काटने का प्रयास कर रहे महाराज। कष्ट मिटने का नहीं, अभी तो राजा विक्रमादित्य के जीवन में कष्टों का दौर आरंभ हुआ है महारानी पद्मिनी।